हेलो स्टूडेंट्स लेट्स सी द क्वेश्चन सो द क्वेश्चन इज द कैनल रे एक्सपेरिमेंट इफ द रे इमिटेड इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू हिच टर्मिनल विल द रे बी डिफ्लेक्टेड तो सबसे पहले हम याद करते हैं कि कैनल रे एक्सपेरिमेंट है क्या कैनल रे एक्सपेरिमेंट किया था ई गोल्डस्टीन ने ये बेसिकली कैथड रे एक्सपेरिमेंट के जैसे ही है या फिर कैथड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट जैसे के तो कैनल रे एक्सपेरिमेंट में भी कैथड रे एक्सपेरिमेंट के जैसे डिस्चार्ज ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था एक कैथर्ड एक एनड ठीक है हाई वोल्टेज में इलेक्ट्रिसिटी ये सारा सब कुछ यहाँ भी था तो देखा गया है अगर बहुत स्कीमेटिकली ड्रॉ करें तो पहले तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं आपको पता है लॉन्गर लाइन इज द पॉजिटिव एंड स्मॉलर लाइन इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी तो जो पॉजिटिव के साथ जुड़े हुए हैं उसको हम क्या कहते हैं उसको हम एनॉट कहते हैं जो नेगेटिव के साथ जुड़े हुए हैं उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कैथोड कहते हैं राइट तो कैनल रे में क्या हुआ था कैनल रे में एनोड से लेके कैथोड की तरफ बीम देखा गया था और ये बीम था पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये जो रे या फिर बीम जो भी आपका हो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बने हुए थे ठीक है तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर अगर हम बाहर से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हैं चलो इस तरीके से सोचें अगर सपोज ये जो आपको पाथवे दिख रहा है फ्रॉम द एनो टूवर्ड्स द कैथोड तो यहाँ पे मैंने दे दिया एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड ठीक है ये है इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है इसका नेगेटिव टर्मिनल जो मैं रेड कलर से डिनोट कर रही हूँ ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड अब पूछा गया है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड का कौन से टर्मिनल के तरफ ये जो बीम है वो डेविएट होंगे तो आसान सा आंसर होगा इसमें देखो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल किसके तरफ अट्रैक्टेड होगा निगेटिव के तरफ है ना तो ये बेसिकली ऐसे डिफ्लेक्टेड हो जाएंगे है ना तो नेगेटिव टर्मिनल के तरफ वो डिफ्लेक्टेड हो जाएंगे आंसर इज बी आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है थैंक यू सो मच